नमस्कार, मैं हूं वर्षा जायसवाल और आप देख रहे हैं 24 आवर्स टुडे न्यूज। जनपद पीलीभीत ने अपने हीरो हॉकी खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह का दिल खोल कर किया स्वागत। पीलीभीत डीएम पुलकित खरे और एसएपी दिनेश कुमार पी पीलीभीत के साथ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने चांदी का मुकुट पहनाकर किया हॉकी खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह का पहली बार गृह जनपद पीलीभीत आगमन पर भव्य स्वागत। जन प्रतिनिधि के रूप में विकासखंड अमरिया के भाजपा ब्लॉक प्रमुख सरदार निशान सिंह और श्याम सिंह ने प्रथम बार अपने पैतृक गांव आए हॉकी खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह के गृह निवास मजारा में पहुंचकर ओलंपिक पदक विजेता सिमरनजीत सिंह पुष्प भेंट कर स्वागत किया। आज गांधी स्टेडियम पीलीभीत में टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले हॉकी खिलाड़ी पीलीभीत के शान सिमरनजीत सिंह के गृह जनपद पर प्रथम बार आगमन पर जिलाधिकारी पुलकित खरे व पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी के साथ उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला अध्यक्ष अनूप अग्रवाल, जिला महामंत्री शैली अग्रवाल ने व युवा जिला अध्यक्ष शैली शर्मा ने भव्य स्वागत सत्कार कर उनके पिता इकबाल सिंह को मोमेंटो देकर स्वागत किया है। जिला अध्यक्ष अनूप अग्रवाल ने कहा कि जनपद पीलीभीत के किसी भी खिलाड़ी के खेल के लिए किसी भी वस्तु या मदद की आवश्यकता पड़ती है तो उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल से संपर्क करें, हमारा संगठन उस खिलाड़ी की मदद जरूर करेगा। वहीं ओलंपिक पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी सिमरनजीत सिंह के गाँव मजारा में उत्सव का माहौल बना हुआ है। आज सिमरनजीत सिंह के घर पहुंचने पर उनका पूरा परिवार खुशी के जश्न में डूब गया। वहीं इस जश्न के मौके पर सिमरनजीत सिंह के रिश्तेदार और मित्रगणों के अलावा आसपास के गांव के लोगों ने सिमरनजीत सिंह के घर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। स्वागत समारोह में उपस्थित जिला अधिकारी पुलकित खरे, पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी, विजय सिंह गैंगवार, ब्लॉक प्रमुख अमरिया सरदार निशान सिंह और श्याम सिंह, नरेश जगपाल, राजू राठौर, जिला अध्यक्ष अनूप अग्रवाल, जिला महामंत्री शैली अग्रवाल, युवा जिला अध्यक्ष शैली शर्मा, नगर अध्यक्ष अनुभव अग्रवाल, विक्रम सिंटू, युवा जिला महामंत्री मोहम्मद आसिफ, साहिल आगनानी, युवा महामंत्री ऋषभ सिंह, निमित अग्रवाल, राकेश वर्मा, रवि प्रकाश, फरहान अंसारी, शैशव अग्रवाल, मीडिया प्रभारी राजू मौर्य उपस्थित रहे। बेटे का चेहरा देख रहे हैं, कैसा महसूस हुआ? और देश के लिए अगर कुछ करना है तो कुछ खोना पड़ता है, और मुझे ये प्राउड है कि इसने अपने देश के लिए खेलने के लिए अपने घर बार को छोड़ा, और मुझे ये लगता है कि ये अच्छा आगे प्रदर्शन करेगा और भी, ये मुझे लग रहा है। लेकिन जो उसने ब्रॉन्ज मेडल जीत के जो देश की झोली में डाला, मैं इससे बहुत खुश हूँ। आज इस गांव में एक खुशी का माहौल है, हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ऐसा क्या हो गया यहाँ पर कि इतनी खुशियाँ इस गांव में आ गई हैं? देखिए, आज हमारे यहाँ सिमरनजीत लड़का जो हॉकी खिलाड़ी है, जिसने पूरे राष्ट्र में आज हॉकी का जो है कीर्तिमान उन्होंने एक स्थापित किया है, उसके संदर्भ में आज उसका पीलीभीत में पहला आगमन था, जिसमें आज पीलीभीत में जगह जगह उसका स्वागत समारोह हुआ है। उसके बाद में वो अपने पैतृक गांव मझारा में आया, और सबसे पहले उसने गुरुद्वारा में मत्था टेका, उसके बाद में सब रिश्तेदार, क्षेत्र के सब जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के सम्मानित लोगों ने उसका स्वागत किया है। आज इस गांव में क्या प्रोग्राम किया जा रहा है? आज इस गांव में इसलिए प्रोग्राम किया जा रहा है कि हम लोग सिमरनजीत सिंह के ताया लगते हैं। सिमरनजीत सिंह इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी है। अभी इन लोगों ने जो बहुत अच्छी जीत हासिल की है वर्ल्ड लेवल पे, हिंदुस्तान को जो हम लोगों को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, उसकी खुशी में सिमरनजीत सिंह आज पहली बार अपने गृह प्रवेश उसने किया है। आज पहली बार पीलीभीत ज़िले में आज उसका पहली बार आगमन था। वहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम व्यापार मंडल की तरफ से हम लोगों ने करवाया था, उसमें हमारे डीएम साहब, हमारे एसपी साहब, उन्होंने बहुत अच्छा सम्मान किया है इस बच्चे का। सब लोगों को उससे बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है। अभी हम लोग मझारा में जो जितने भी रिश्तेदार हैं,
वो सब इकट्ठे हुए हैं, क्षेत्र के सभी संभ्रांत नागरिक यहाँ पर आए हैं, सभी पॉलिटिकल लीडर्स आए हैं यहाँ पर, सभी प्रधान बीडीसी मेंबर्स हमारे ब्लॉक प्रमुख सब लोग हमारे साथ हैं, हम लोग सब लोग बहुत बढ़िया लग रहा है। आफ्टर मेडल के बाद बहुत दिनों के बाद घर पे आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। किन किन कंट्रियों में कितने ओलंपिक आपने कितने बार कितने खेल जीते हैं? जी ये जो खेल हुआ था हमारा टोक्यो में था जापान में, उसमें हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और अभी तक कितने खेल और जीत चुके हैं, कितने समय से आप खेल में? जी मैं 2014 से इंडिया टीम का हिस्सा हूँ और मैं जूनियर वर्ल्ड कप जीत चुका हूँ, अधिलांशा कप, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप भी चले चुका हूँ और प्रो लीग क्वालिफाई राउंड, ओलंपिक क्वालिफाई राउंड फाइनल्स, फाइव सीरीज टूर्नामेंट खेल चुका हूँ। आज क्या कहेंगे, 1.5 साल बाद माता पिता से मुलाकात हुई है, खेल में रुझान लगा रहा, और क्या कहना चाहेंगे माता पिता के लिए? संघर्ष किस प्रकार रहा? जिस तरह एक प्लेयर ऑन द फील्ड संघर्ष करता है, मेहनत करता है, इसी तरह उनका परिवार ऑफ द फील्ड काफ़ी थोड़ा कहना पड़ता है, उनका भी बहुत इसमें हाथ है किसी प्लेयर।